Good morning students. So we are left with the last part of our chapter changes around us, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो एक्सपैंड होती हैं। अब आपने सभी ने देखा होगा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो what happens, the state of water is changed. State of water कुछ नहीं है अभी, इसको इतना नाइन्थ में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बट क्या होता है, पानी जो है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। यानी पानी क्या हुआ, वेपराइज होना शुरू हो जाता है। बट अगर इसी पानी को हम लोग आइस ट्रेक में करके फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और क्यूब्स का शेप ले लेता है। तो वाटर इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। जब हम इसको, या सिंपली इस चीज़ को समझिए, जब आप आइस ट्रे से बाहर निकालते हैं तो आपकी आइस क्यूब्स जल्दी से बाहर नहीं आती हैं, ठीक है। आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, इट टेक्स अप हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड देन इट गेट लूजेंड अप एंड कम आउट ऑफ द आइस ट्रे। तो दिस शोज दैट, दिस एक्टिविटी शो दैट वाटर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करना मीन्स फैल जाता है, वेपर्स का फॉर्म ले लेता है और एयर में मिक्सअप हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है सिकुड़ना। और जब हम इसको लो टेम्परेचर पे रखते हैं यानी फ्रिज में रखते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल, मोस्ट ऑल द सॉलिड्स। लाइक जैसे गोल्ड की हम ज्वेलरी बनाते हैं, तो गोल्ड की ज्वेलरी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, आपने ज्वेलर्स को देखा होगा कि द गोल्ड स्मिथ इट हीट्स द गोल्ड बार्स। वो क्या करता है, इनको हीट करता है। हीट करने से क्या होता है, ये पिघलते हैं, एक्सपैंड करते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब गीले हो जाते हैं। और उसके बाद वो किसी भी सांचे में डाल करके या उसके बाद वो निडल से और फोरसेप से वो जो डिज़ाइन देना चाहता है वो उस हिसाब से दे पाता है। तो दिस इज़ एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हीट, जहाँ पर हमने गोल्ड को एक्सपैंड किया गर्म करके और जैसे जैसे वो ठंडा होता है तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब लिक्विड फॉर्म में हमने जो डिज़ाइन डाला, जैसे ही वो ठंडा होगा जल्दी से ठंडा हो जाता है और वो उस सांचे का रूप ले लेता है, या जो डिज़ाइन हमने डाला है वो ड्राई अप होकर के टाइट हो जाता है। तो दिस वॉज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। फिर ये भी जो स्लाइड दिख रही है आपको एक थर्मामीटर की, ये तो आप सबने बहुत कॉमन है, सबने फील किया होगा कि जो मरकरी होती है, यहाँ पर शाइनिंग मरकरी होती है ना घर में, जो थर्मामीटर्स हम लोग रखते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो आप देखोगे कि यदि वाकई किसी को फीवर होगा तो ये मरकरी जो है उसके बॉडी की हीट लेकर के एक्सपैंड करती है और ये ऊपर की तरफ रेस करती है। तो मरकरी ऑल्सो एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। और जब आप इसको मुंह से बाहर निकालते हैं, ठंडे पानी में डालते हैं, तो मरकरी लेवल फिर से डाउन हो जाता है। दिस शोज़ कि टेम्परेचर जैसे कम होगा इट विल अगेन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए हैं। अब एक और डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जहाँ पर भी सॉलिड्स होंगे, जैसे ये ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, जब बहुत एक्सट्रीम समर्स होते हैं तो हम अगर कुछ ऐसी टेक्निक न लगाएं तो यू विल सी द ट्रैक लाइक दिस, तो इट विल कॉज एक्सीडेंट्स। सो व्हाट इज डन टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ डैमेज इन रेलवे ट्रैक्स, यू सी दिस हैज़ अकर्ड ड्यू टू द हीट एक्सपेंशन। हीट एक्सपेंशन की वजह से लोहा जो है ट्रैक का वो एक्सपैंड कर गया है। सो व्हाट आवर साइंटिस्ट हैज़ डिज़ाइंड दैट दे कीप दिस ब्रेक, दे कीप दिस स्पेस इन बिटवीन, दे कीप द स्पेस इन बिटवीन द टू ट्रैक्स। एंड सो जब समर्स में टेम्परेचर की वजह से ये जो पटरी है ये लोहा एक्सपैंड भी करता है तो ये गैप को फिल कर देता है, जिसकी वजह से डैमेज नहीं होता है। यहाँ देखो, गर्मी की वजह से वो एक्सपैंड किया और ज्वाइन कर गया, लेकिन कोई भी डेंट किसी तरह का नहीं पड़ा। उसी तरह से आपने देखा होगा जो व्हील्स जितने भी बनाए जाते हैं मार्केट में, आप देखो इस तरह के व्हील्स पर रबर या वुड पर इनको चढ़ाया जाता है मजबूती देने के लिए। तो क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ही यहाँ पर इस फिटिंग में डाला जाता है बच्चों,
ठीक है, ताकि जैसे ही वो ठंडा हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो और अच्छे से जकड़ ले इस वुड को. तो दिस वॉज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीट एक्सपेंशन. एंड द लास्ट टॉपिक विच आई लेफ्ट इन माई लास्ट क्लास कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ फिजिकल और केमिकल चेंज. नाउ सी हियर यू हैव टू नोट डाउन टू स्टेप्स. व्हेन द वैक्स इज मेल्टेड दैट इज अ फिजिकल चेंज, ओके. बट व्हेन द विक दैट इज द थ्रेड इट गेट्स बर्न्ड देन इट इज़ कन्वर्टेड टू CO2, ओके. CO2 प्लस सम वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस सम कार्बन पार्टिकल्स. तो दैट इज अ केमिकल चेंज. दैट इज बर्निंग ऑफ विक इज अ केमिकल चेंज, वेयर एज वैक्स मेल्टिंग इज फिजिकल चेंज. सो दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो एंड द चैप्टर इज कम्प्लीटेड. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द चैप्टर. इज इट क्लियर बच्चों? Okay, God bless you. Take care and keep working very hard. Mm-hmm.